परिंदा था उड़ गया, इंसान था बदल गया, प्यार था छोड़ गया, दिल था टूट गया। हाय माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोना और आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि पर्पल स्मोकी स्पॉट आई लुक मेकअप, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट मेकअप लुक है। तो आज मैं ये मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो करना कर रही हूँ बाबा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये जो मेकअप लुक है बहुत ही एलिगेंट मेकअप लुक है। अगर आप चाहो ट्रेडिशनल, सेमी ट्रेडिशनल, वेस्टर्न आउटफिट, आप लोग जो भी आउटफिट कैरी करो ये उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ऑलरेडी सब लोगों को देखते ही होंगे कि स्पॉट आई लुक मेकअप जो होता है वो बहुत ही एलिगेंट मेकअप लुक होता है, बहुत ही कंफर्टेबल मेकअप लुक होता है जो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये करना है, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। राइट, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, इस बार जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है जी। और ऑल ऑप्शन को प्लीज मत भूलिएगा। पहले मैं अपनी स्किन केयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अपनी आईब्रो सेट कर ली हूँ और कंसीलर भी अप्लाई कर ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइट पर्पल शेड में ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है, लाइट पर्पल शेड, ठीक है जी। और मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोडा, ये टोटली हिलारी रोडा पैलेट से ही मैं आज पूरा आई लुक मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ, जिसका कॉस्ट रहता है 300 समथिंग रुपीज़, ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस, सो डोंट वरी। उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड सर्कुलर मोशन में ही करना है, इधर उधर इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है जी। सर्कुलर मोशन में राउंड 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 राउंड, राउंडर पकड़ के नहीं, ब्रश पकड़ के राउंड राउंड करना है। राउंडर तो बहुत लोग बार पकड़ लिया है यार, अब थोड़ा सा मेकअप ब्रश भी पकड़ लिया करो, ठीक है जी। राउंड राउंड करके आपको सर्कुलर मोशन में अपनी आई लिड में अच्छे से ब्लेंड करना है लाइट पर्पल शेड को। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा डीप पर्पल सेट, ठीक है जी। उसको मैं कहाँ पे यूज़ करूँगी, अपनी आउटर कर्नर और इनर कर्नर में, इनर कर्नर और आउटर कर्नर में थोड़ा थोड़ा लेके आपको ब्लेंड करना है और अपने क्रीज लाइन में जॉइंट करना है, ठीक है जी। क्रीज लाइन में कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेके ब्रश के साथ यूज़ नहीं करना है, जितना प्रोडक्ट आपके ब्रश में होगा उतने में ही आपको क्रीज लाइन में ब्रश यूज़ करना है, क्लियर। आपको धीरे धीरे करके अपनी आउटर कर्नर और इनर कर्नर को डीपर बनाना है। डीपर बनाने के बाद मैं नेक्स्ट इस आई में भी कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इक्वल लगे, नहीं तो ऐसा लगेगा एक तरफ पूरा, मतलब क्या बोले, हिरनी जैसी आँखें और दूसरी तरफ कौवा जैसे आँखें, ये सही, मतलब क्या बोलते हैं, कहावत तो नहीं बना सकती हूँ, ये अच्छा लेकिन लाइन था लेकिन ओके। तो आपको इस तरह अपने आउटर कर्नर और इनर कर्नर में डीप पर्पल शेड को अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको एक साथ डिपॉजिट नहीं करना है, ठीक है जी। आप कभी भी ब्रश के हेल्प से ज़्यादा प्रोडक्ट मत पिक कीजिएगा, नहीं तो डिपॉजिट हो जाएगा। अगर डिपॉजिट हो गया डियर तो उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके आपको ब्लेंड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक आई शेडो लेना है और छोटू सा पेंसिल ब्रश के हेल्प से अपनी आउटर कर्नर और इनर कर्नर में ब्लेंड करना है। बी केयरफुल, यहाँ पे छोटा सा पेंसिल ब्रश ही लेना है, कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश मत उठा लीजिएगा, वरना क्या होगा पता है, आपकी क्रीज लाइन से बाहर हो जाएगा आपकी ब्लैक आई शेडो का कलर, ब्लैक आई शेडो आपकी क्रीज लाइन से ऊपर जाके घूमेगा, फिर आपका हो जाएगा स्मोकी आई का सत्यानाश, इसलिए छोटा सा पेंसिल ब्रश ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे गलती से भी कोई भी जेल, आईलाइनर या फिर काजल, ऐसे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट का यूज़ ना करें। ये स्मोकी आई टोटली आपको आई शेडो से ही क्रिएट करना है और इसका ब्लेंडिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखी हूँ, सो अच्छे से देखिए, ठीक है। आपको आउटर कर्नर और इनर कर्नर में अच्छे से ब्लैक आई शेडो को धीरे धीरे ब्लेंड करना है और क्रीज लाइन में कोई भी एक्स्ट्रा ब्लैक आई शेडो नहीं लेना है। जिस जो ब्रश आप यूज़ कर रहे हो उस ब्रश में जितना प्रोडक्ट आपके होगा उतने ही प्रोडक्ट में आपको पूरा क्रीज लाइन को जॉइंट करना है, क्लियर, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मत लीजिएगा। उसके बाद आपको अच्छे से ब्लेंड करते करते उसको थोड़ा सा डीपर बनाना है। डीपर बनाने के बाद आपको करना है कट क्रीज, मिडिल कट क्रीज, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है, मिडिल कट क्रीज करते वक्त हम बहुत ज़्यादा कंसीलर अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें बाद में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। इसीलिए जितना कम प्रोडक्ट के साथ कट क्रीज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए ब्रश के हेल्प से कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा मत उठाइए, चाहे वो हाइलाइटर हो, ब्रश हो, ब्रोंजर हो, या फिर आई शेडो हो, कलर शेडो हो, या फिर कंसीलर हो, कलर करेक्टर हो, नो नेवर। ठीक है, माइंडसेट कर लीजिए, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, हमें प्रोडक्ट यूज़ करना है और अच्छा क्वालिटी का मेकअप हमें अचीव करना है। ठीक है जी, उसको अच्छे से अपनी आईबॉल के ऊपर जितना हिस्सा है अपनी आईबॉल देख लिया, अपनी आईबॉल आपको महसूस हो रहा होगा जब आप ये ब्रश यूज़ करोगे, जितना आपका आईबॉल है उतने ही व्हाइट का मतलब उतने ही जगह आपको कंसीलिंग करना है। ठीक है, छोटा सा ब्लेंडर के हेल्प से आप इसे ब्लेंड कर सकते हो, या फिर मेरे जैसा ब्लेंडर से भी आप उसे ब्लेंड कर लीजिएगा थोड़ा सा, अगर कंसीलर ज़्यादा होगा तो वो पिक कर लेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे व्हाइट आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ अपने कंसीलर को सेट करने के लिए। अगर आप चाहो तो ये आई लुक मेकअप आप व्हाइट आई शेडो के साथ भी कर सकते हो, मतलब मैट स्मोकी स्पॉट आई लुक मेकअप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिमरी सेट, जो कि है थोड़ा सा ऑफ व्हाइट सेट, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट सिमरी सेट है। बहुत ही अच्छा लगता है, हर कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा फिट बैठता है। ठीक है जी, उसको अच्छे से अपनी कंसीलर का एरिया मैं कवर अप कर ली हूँ। कवर अप करने के बाद ये जो कलर है ना, थोड़ा सा पिगमेंटेशन जो होता है कलर का सिमरी सेट का, थोड़ा सा डाउन है, मतलब कम है, जिसके वजह से मेरे ब्रश के हेल्प से वो पिक तो हो रहा है लेकिन उतना विजिबिलिटी नहीं आ रहा था। ठीक है, इसीलिए मैं क्या की, मैं फिंगर के हेल्प से उसको अच्छे से विजिबिलिटी ले आई, फिंगर के हेल्प से अच्छे से उसको लगा ली हूँ अपनी आईबॉल के ऊपर। उसके बाद बारी आती है हमारी जो एडेज होता है, जो हार्स लाइन है उसको इनविजिबल करने की, क्योंकि ये सबसे बड़ी काम होता है जब हम स्पॉट आई लुक मेकअप करते हैं। उसको मैं क्या कर रही हूँ, जो छोटा सा पेंसिल ब्रश था ना उसके हेल्प से अपनी एडेज क्लियर कर रही हूँ। कैसे, वो जो हमारा पहला वाला सेट था ना लाइट पर्पल सेट, उसको मैं थोड़ा थोड़ा लेके उसको ब्लैक और सिमरी सेट के बीच में अच्छे से धीरे 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 हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ। और इसे करते वक्त आप प्लीज़ प्यार से कीजिएगा, कोई झगड़ा वगड़ा मत कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरी जान। ठीक है जी, प्यार से, बहुत ही प्यार से आपको अपना एडेज क्लियर करना है, ताकि आपका जो आई लुक मेकअप है वो शार्प लगे और एकदम फिनिशिंग लगे। ऐसा ना लगे कि कोई ऊपर एक टीका लगा दिया हो, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। देखो, मेरा जो लेफ्ट आई है वो अच्छा नहीं लग रहा था ना, वो अजीब दिख रहा था, लेकिन जब एडेज क्लियर होता है तो एक्चुअली आई लुक मेकअप जो होता है उसका विजिबिलिटी बढ़ जाता है। इसीलिए अपनी एडेज को ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। और अच्छे से अपनी एडेज क्लियर करने के बाद मैं अपने पूरे फेस का फेस मेकअप ले रही हूँ, और यहाँ पर आज मैं फेस मेकअप शेयर नहीं कर रही हूँ, तो मैं यूँ गई और यूँ आई। ठीक है, फेस मेकअप लेने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, जो कि है जेल आईलाइनर, मेबेलिन जेल आईलाइनर। और ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी इसी आईलाइनर के साथ ही आया था। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ और आउटर कॉर्नर में आईलाइनर को स्मज कर दे रही हूँ। स्मज आईलाइनर होता है ना, वैसे ही है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, स्मज आईलाइनिंग कर रही हूँ। स्मज आईलाइनिंग, पूरा आईलाइनर को स्मज नहीं करना है, मैं बस आउटर कॉर्नर में स्मज कर दे रही हूँ, अपनी ब्लैक जिस जगह ब्लैक आई शेडो था वहाँ पे मैं स्मज कर दे रही हूँ। ठीक है जी, उसको स्मज करने के बाद बारी आती है लोअर लैश लाइन की। लोअर लैश लाइन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको काजल लगा के ना मैं यहाँ पे स्मज कर रही हूँ, काजल लगा ली हूँ, उसके बाद स्मज कर रही हूँ मैं सेकेंड हमारा जो शेडो हम यूज़ किए थे डीप पर्पल सेट। ठीक है जी, डीप पर्पल सेट के साथ मैं स्मज आउट कर रही हूँ। अगर आई शेडो, अगर लोअर लैश लाइन में आप स्मज नहीं करोगे तो आपका आई मेकअप जो है वो इनकम्प्लीट लगेगा, तो स्मज करना कभी मत भूलिएगा। ठीक है जी, उसके बाद बारी आती है मस्करा की। मस्करा मैं यहाँ पर डबल कोट कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप फॉल्स लैसेस का भी यूज़ कर सकते हो, आज पर योर चॉइस। ठीक है जी, कोई इश्यूज नहीं है। मस्करा लगाने के बाद हमारा जो आई मेकअप है टोटली कंप्लीट हो गया है, यही सोच रहे हो ना आप, नहीं हुआ है, रुक जाइए थोड़ा, बता रही हूँ ना। उसके बाद आपको करना क्या है, हाइलाइटिंग करना है।
आपको हाईलाइटिंग करना है, आई के इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर इस मेकअप में, क्योंकि आई जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मेकअप लुक मेकअप में आया है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ब्यूटीफुल लगता है इस आई लुक मेकअप। उसके बाद पूरे फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, अच्छे से हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि ये जो आई लुक मेकअप है ये उसको कम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपने पूरे फेस में अच्छे से हाईलाइटिंग कर लीजिएगा। कोई भी लिपस्टिक आज पर योर चॉइस, डोंट वरी मेरी जान, जो पसंद है वो लगाइए, सेल्फ लव इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। और ये रही मेरी फाइनल लुक है, तो या ये रही मेरी जो हेयर स्टाइल है, बिट्स हेयर स्टाइल मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में दी हूँ, अगर आप चेकआउट नहीं किए हो तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा लुक आया है, आप लोग तो मेरी तारीफ़ करोगे नहीं, इसीलिए खुद ही खुद का तारीफ़ कर रही हूँ, कितना बुरा दिन दिखा रहे हो मेरी जान सच्चे में। थोड़ा कमेंट समेंट कर लिया कीजिए, तारीफ़ वारीफ भेज दिया कीजिए, अच्छा ठीक है तारीफ़ ना सही, एटलीस्ट बोल तो दीजिए सही है गलत है कुछ है, मैं सबको दिल से एक्सेप्ट करना जानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जो कमेंट करते हो। अगर मैं इसे सिग्नेचर लुक बोलूँगी अपना तो ये सही रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक ग्लिटर एक स्पॉट आई लुक मेकअप। वैसे आप लोगों को क्या अच्छा लगता है आप लोग आज तक नहीं बताए हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को कौन सा मेकअप लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, मैट आई लुक मेकअप या फिर स्मोकी आई लुक मेकअप, फुल स्मोकी आई लुक मेकअप या फिर स्मोकी स्पॉट आई लुक मेकअप जैसे जो कि इस टाइप का होता है, या फिर ग्लिटर आई लुक मेकअप, या फिर आपको ग्रेडियंट्स लुक मतलब जो ग्लाम लुक होता है एकदम तड़कता भड़कता मेकअप लुक होता है वैसे वाला, तो कौन सा मेकअप लुक पसंद है वो तो बता दीजिए मेरी जान, कुछ तो बोल दीजिए, नहीं तो देखिए खुद का तारीफ खुद करना पड़ता है, आपसे बात भी खुद करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। चलिए आप लोग कमेंट कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बहुत सारा, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मुझे बहुत सारा साथ की ज़रूरत है, साथ दीजिएगा। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।